बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है। अल्लाह ताला आपके खानों में और आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ या चपनी और मटर की रेसिपी, हमारे इलाके में इसे किया और चपनियाँ कहते हैं। मैंने हाफ प्याली ऑयल की ली है, अच्छी तरह ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बड़ी प्याज ली है क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसमें ज़्यादा प्याज नहीं शामिल करते चपनियों में, बस एक बड़ी प्याज ली है, वो मैं हल्की गोल्डन ब्राउन कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अदरक की शामिल कर रही हूँ छोटी चम्मच, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। इसके साथ ही मैं टमाटर शामिल करूँगी। ये भी बहुत टेस्टफुल सब्ज़ी है, या चपनी और मटर आप भी बना के देखें। इससे भी अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँ टमाटर प्याज लहसुन अदरक, मिस्सी होती है ग्रेवी होती बिल्कुल खुश्क नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया, गल गया। अब इसमें मैं हाफ के जी आधा किलो मैंने मटर ली है वो उसमें शामिल कर रही हूँ, इनको भी इसी तरह मसाले में मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मटर भी फ्राई हो गई है, अच्छी तरह से इनकी जो मिठास होती है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल करूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली लाल मिर्चें और हाफ वन टी स्पून एक चम्मच में नमक की शामिल कर रही हूँ, और साथ हाफ 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची भी छोटी डाली है, 1.5 चम्मच नमक का, और आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी की शामिल की है, और 2 चम्मच छोटे मैंने खुश्क धनिया की शामिल कर रही इसमें। और इसमें मैं 1 छोटी चम्मच जीरे की शामिल कर रही हूँ, 3-4 साबुत काली मिर्ची है वो शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ 2 से 3 मिनट। मैंने रखी 1.5 किलो मैंने किया चपनी ली है, इस मौसम में ताज़ी फ्रेश आ रही है, छोटी छोटी सी होती हैं। दूसरी भी इसी तरह से मैं शामिल करती हूँ, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मैंने सारी सब्ज़ी को उसमें शामिल कर दी है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये अपना पानी आप किया चपनी छोड़ती हैं, इसी दम से ही मैं इसको पका लूँगी क्योंकि ये बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट होती है। ये फौरन 8 से 7-8 मिनट तक ये गल जाती हैं, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है चटनी तैयार है, बस इसमें अब मैं 1/2 टीस्पून आधी छोटी चम्मच पीसी हुई गर्म मसाले की शामिल करूंगी। थोड़ा जिसमें मैंने धनिया शामिल की है,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं डिश ऑफ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।